हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। देखिए, हमने ट्रांस इफेक्ट डिस्कस किया था, ट्रांस इफेक्ट सीरीज डिस्कस की थी, उसको ट्रिक डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट किया था, जहाँ पे हमने पॉलराइजेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा, सिग्मा बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि अगर आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड लगे हुए हैं टीबीपी ज्योमेट्री के अंदर, या फिर आपका पाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, तो सिग्मा बॉन्डिंग में आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा, बैरियर रोटेशन के चांसेस है, चांस ऑफ इन्वर्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका पाई एक्सेप्टर टाइप का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, तो उसके उसमें पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, डबल बॉन्ड की जनरेशन की वजह से शूडो बैरियर रोटेशन के चांसेस नहीं होंगे और रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। आज का जो टॉपिक है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर उसका एप्लीकेशन नहीं पता, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट ज़रूर होता है, और एप्लीकेशन पार्ट ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, और वो बेस से आपका स्पेक्ट आपका ट्रांस इफेक्ट सीरीज के ऊपर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, अब सपोज हमने क्या करना है, सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांसप्लेटिन। आपको पता है सिस प्लेटिन या फिर ट्रांसप्लेटिन के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सिस प्लेटिन हम यूज़ करते हैं फॉर द कैंसर पेशेंट्स ट्रीटमेंट। ओके, सो दिस इज़ द मेजर एप्लीकेशन, बिकॉज कैंसर आपको पता है एक बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है, जहाँ पे आपका कैंसरस सेल्स में मेटाबॉलिक रेट बहुत बढ़ जाता है और वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा। और ट्यूमर फॉर्मेशन में को हम किस तरह से बाइंड करते हैं, ये चीज़ हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो को पीछे जाके ज़रूर देखें, बिकॉज ये आपका जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब जो है, सपोज हमने सिंथेसाइज करना है PTNH3NO2Cl2, ये कॉम्प्लेक्स हमने बनाना है, इसको सिस में भी बनाना है और ट्रांस में भी बनाना है। तो हमें पता है जो नाइट्रो का ट्रांस इफेक्ट है वो ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू क्लोराइड, और क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है अमोनिया से। ओके, तो मैंने सबसे पहले लिया PTCl4, सिस कॉम्प्लेक्स लिया मैंने PTCl4, और उसके अंदर मैंने अमोनिया को ऐड किया। अब पता है कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो अमोनिया किसी भी एक पोजीशन पे आके लग जाएगा NH3। अब मैं ऐड करना चाह रही हूँ नाइट्रो मॉलिक्यूल NO2। अब हमें पता है कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो अमोनिया तो डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी कि क्लोरीन ही मेरा ट्रांस, जो क्लोरीन है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो वही मेरा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करेगा, यानी कि जो मेरा नाइट्रो ग्रुप आएगा वो अमोनिया के सिस पोजीशन पे ही आएगा। तो अमोनिया के सिस पोजीशन में आपका नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा और आपके पास इस तरह से सिस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रांस बनाना है, तो उस केस में आप अमोनिया को पहले ना डाल के आप वो डालेंगे जिसका ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन से भी ज़्यादा है, और नाइट्रो का NO2 का ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन से ज़्यादा है। और ये कैसे पता चला, ये पता चला ट्रांस इफेक्ट सीरीज से जो हमने किया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि ट्रिक, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, ट्रिक था चांद को नो एलियन प्यारे, ऐसी है मिथाइल फिनाइल नहीं आई सयानी बुढ़िया कल। तो नहीं जो था वो आपका NO2 नेगेटिव था, और NO2 जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो कर रहा है, कल जो था वो आपका Cl था, ठीक है, और उसके बाद था आपका Br। ओके, Br पहले था और उसके बाद आपका Cl था। तो यहाँ पे नाइट्रो को अगर मैं पहले डालती हूँ, तो किसी भी एक पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, उसके बाद मैं अमोनिया डाल रही हूँ। अब जो ट्रांस इफेक्ट है वो नाइट्रो का ज़्यादा है, यानी कि ट्रांस जो है, जो आपका NO2 है, अब वो आपका डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करेगा। अब जो NO2 है वो अपने ट्रांस में जो क्लोरीन लगा हुआ है उसको रिप्लेस करेगा, यही तो है ट्रांस इफेक्ट, कि अपने से जो ट्रांस पोजीशन पे लगा हुआ है ना, अपने बिल्कुल निशाने पे जो लिविंग ग्रुप, निशाने पे जो चीज़ लगी हुई है उसको मैंने लिविंग ग्रुप बनाना होता है, ताकि वो वहाँ से भागे और इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसकी जगह पे आगे अटैच हो जाए। तो यहाँ से जो NO2 है वो अपने इशारे पे जो है, यानी कि अपने ट्रांस में जो क्लोरीन है उसकी बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करेगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, और जो अमोनिया है वो Cl की जगह पे लग जाएगा, और इस तरह से आपको वहाँ पे ट्रांस कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा PTCl2NO2NH3। तो ये आपके पास ट्रांस बन जाएगा। उसके बाद जैसे हमने सिंथेसिस करना है PTC2H4 अमोनिया एंड Cl2। ओके, इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले अरेंज कर लीजिए आप कि किसका ट्रांस इफेक्ट कितना है। सपोज मैं ये कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ PTNH3PyridineClBr, मैं ये बना रही हूँ, तो यहाँ पे आपको पता है कि Br का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद हमारे पास साइक्लोपीरिडीन, क्यूटी पाई और अमीन अमोनिया, इनका ट्रांस इफेक्ट तो सबसे कम है, तो ये सबसे एंड में आ जाएंगे।
दैट इज अमोनिया। अब ट्रांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सिस कब बनेगा, ट्रांस कब बनेगा। सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स बनाना है हमने, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैंने PDCl4 लिया, उसमें मैंने अमोनिया को डाला। अमोनिया क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है तो ये डायरेक्टिंग ग्रुप का काम नहीं करेगा, क्लोरीन आपका डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करेगा। तो अमोनिया किसी भी एक पोजीशन पे आके लगेगा। उसके बाद मैंने डाला यहाँ पर BR। अब दोनों में से क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो यानी कि सिस पोजीशन पे लगेगा आपका BR, तो सिस पोजीशन पे BR लग गया। उसके बाद मैंने डाला पीरीडीन। ओके, अब मैंने पीरीडीन डाला है तो पीरीडीन का ट्रांस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम है और सबसे ज़्यादा तो ब्रोमीन का है, यानी कि अब ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन यहाँ पे डायरेक्टिंग इफेक्ट का काम करेगा, डायरेक्टिंग लीगेंड का काम करेगा। तो ब्रोमीन के ट्रांस में जो Cl है वो उस Cl को वहाँ से हटाएगा और उसकी जगह पर आपका पीरीडीन यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने कॉम्प्लेक्सेस को बनाना है। बट कॉम्प्लेक्स आप तभी बना पाएंगे जब आपको ट्रांस इफेक्ट पता होगा, और ट्रांस इफेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो सीरीज़ ज़रूर याद करें क्योंकि क्वेश्चन आपका वहीं से कंप्लीट होगा। विदाउट ट्रांस इफेक्ट सीरीज़ आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट करेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट करेंगे आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, जो आ रहा था वो भी चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके क्वेश्चन पेपर को। आप सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपको आते हैं। नेगेटिव मार्किंग जैसे ही आप करते हैं तो जो आपने पोर्शन अटेम्प्ट किया है आपका वो पोर्शन भी चला जाता है। सो मेक श्योर योर सेल्फ, डू नॉट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस हैविंग द डाउट्स और यू डोंट नो अबाउट दैट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सपोज, अब हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। सो ट्रांस इफेक्ट, सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, सिस और ट्रांस आपके पास कॉम्प्लेक्स है, आपने उसको डिफरेंस करना है कि कौन सा आपके पास सिस है कौन सा आपके पास ट्रांस है। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम कौन सा टेस्ट करते हैं सिस और ट्रांस को डिफरेंशिएट करने के लिए। सो ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो इन डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रशियन केमिस्ट कुर्नाकोव यूज थायो यूरिया बाई कंसिडरिंग दैट इट्स वेरी हाई ट्रांस इफेक्ट टू क्लासीफाई सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो मिल गया टेस्ट कि सिस और ट्रांस आइसोमर को डिफरेंस करने के लिए हम कुर्नाकोव टेस्ट करते हैं और उसमें हम यूज करते हैं थायो यूरिया। ओके, बिकॉज थायो यूरिया का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में पूछी गई लाइन है कि सिस और ट्रांस आइसोमर को डिफरेंस करते हैं बाय विच टेस्ट, तो दैट इज कुर्नाकोव टेस्ट। यूज़ क्या करते हैं उसके लिए, तो यूज़ करते हैं थायो यूरिया। अब लाइक आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है जो प्लेटिनम का सिस कॉम्प्लेक्स है जिसमें अमोनिया लगे हुए हैं, दो क्लोरीन लगे हुए हैं, तो उसमें हम एक्सेस में थायो यूरिया यूज़ करते हैं। तो अब क्या होगा, क्लोरीन भी रिप्लेस हो जाएगा, अमोनिया भी रिप्लेस हो जाएगा और आपके पास क्या लग जाएगा, प्लेटिनम के चारों तरफ थायो यूरिया आपका लग जाएगा। ओके, लेकिन जब यही थायो यूरिया हम ट्रांस के केस में यूज़ करते हैं तो ट्रांस के केस में वो सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड को ही रिप्लेस कर पाता है, अमोनिया को रिप्लेस नहीं करता। तो आप देख सकते हैं आपके दोनों आइसो में डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं कि सिस में आपका जो चारों लीगेंड होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे थायो यूरिया से, बट ट्रांस के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आप दोनों को ईजिली यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, सो जो आपका ये है इसके लिए हम यूज़ करते हैं थायो यूरिया, यूरिया का जो यूनिट है दैट इज H2O32-, दैट वाज अ लिगेंड विद हाई ट्रांस इफेक्ट। रिबेको यूज H2O32-, दैट वाज यूज अ लिगेंड विच हैविंग ट्रांस इफेक्ट। तो ये लिगेंड भी हम यूज़ कर लेते हैं H2O32-, जो आपका डिफ्रेंशिएट करता है सिस एंड ट्रांस में, कि जैसे अगर आपके पास सिस कॉम्प्लेक्स है तो आप H2O32- जहाँ पर डालेंगे तो आपके पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और जब आप एक्सेस में डालेंगे तो आपके पास जो अमोनिया है वो भी रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह भी आपका H2O32- का यूनिट आके चिपक जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर में, जहाँ पे आप थायो यूरिया का यूज़ कर सकते हैं कुर्नाकोव टेस्ट में, जो आपको इजीली डिफरेंशिएट कर देगा कि आपका सिस आइसोमर कौन सा है और आपका ट्रांस आइसोमर कौन सा है। तो ये जो टॉपिक था ट्रांस इफेक्ट, थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, अगर वो क्वेश्चन आपका ट्रांस इफेक्ट से आता है तो। सो मेक श्योर हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।